बिहार सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख बढ़ सकती है। 16 नवंबर को सरकार गठन के बाद महीने के अंत में यानी 29 नवंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, लेकिन विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष का रौद्र रूप देखकर सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार राज्यसभा उपचुनावों के बाद कर सकती है, क्योंकि शीतकालीन सत्र के दौरान ही अध्यक्ष पद के चुनाव के दिन से ही विपक्ष आक्रामक मुद्रा में थी और राज्यपाल के संयुक्त अभिभाषण में भी अपोजिशन ने सदन में हंगामा किया था। यहां तक कि सत्र के अंतिम दिन यानी 27 नवंबर को भी विपक्ष ने सत्ता पक्ष को जमकर आड़े हाथों में लिया था। जहां केंद्र में राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव होने हैं, वहीं बिहार में राज्यपाल कोटे से 12 सदस्यों का निर्वाचन होना है। ऐसे में नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार राज्यसभा उपचुनाव और विधान परिषदों के निर्वाचन के बाद ही होना तय है। आपको बता दें कि बिहार में 44 विभाग है, लेकिन इन विभागों की जिम्मेदारी 36 मंत्री ही निभाते हैं और शेष विभाग जो किसी मंत्री को अलॉट नहीं होता वह सीएम के पास ही रहता है। अभी एक मंत्री के पास कई विभागों की जिम्मेदारी है, जिनमें सबसे ज्यादा 6 विभाग डिप्टी सीएम के पास है, जबकि शीला कुमारी, मुकेश सहनी और रामप्रीत पासवान के पास एक ही विभाग की जिम्मेदारी है। अतः विभागों का लोड कम करने के लिए नीतीश सरकार राज्यसभा उपचुनावों के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकती है। लाइव इंडिया के लिए विशाल की रिपोर्ट।